रिसेंटली जो कंक्लूडेड हुआ है यूएलबी इलेक्शंस, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था एज ए बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम वार्ड नंबर 2। तो अभी आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द बीजेपी एंड आई हैव फॉरवर्डेड द सेम रेजिग्नेशन लेटर टू हाईकमान और मैं फाइल कर रहा हूँ प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट के लिए एज एन इंडिपेंडेंट। वजूहत क्या बने आपने बीजेपी से रिज़ाइन जो किया? देखिए आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि जिस बंदे को बीजेपी ने प्रपोज किया है ही इज़ वर्थ ऑफ गुड। और मैंने जो इलेक्शन लड़ा है ये मैंने लड़ा है बारामूला की डेवलपमेंट के लिए। जो एजेंडा है वो है डेवलपमेंट का। तो आपको क्या लगता है बीजेपी का एजेंडा क्या है? बीजेपी का एजेंडा मे भी हो सकता है कि डेवलपमेंट का हो, लेकिन दे फ्यू पीपल हैव हाईजैक्ड द पार्टी हियर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो मुझे पर्सनल एक नाराज़गी हो गई उनके साथ। ये एज बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारामूला आई वांट समवन हैविंग ए गुड रेपुटेशन एंड शुड बी गुड एजुकेटेड वेल एजुकेटेड ही शुड बी रिप्रेजेंटिंग दिस म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला। तो ये एक रीज़न बन गया कि एक लेमैन को वो प्रपोज कर रहे हैं एज ए चेयरमैन, तो इसलिए मैं पार्टी से अलग ही इख्तियार कर रहा हूँ। और फिलहाल मैं एक बंदा निकल रहा हूँ बीजेपी से और आज इंशाल्लाह मैं नॉमिनेशन फाइल करूँगा। तो लेट्स सी कि कितने बंदे और आएंगे और जिसको भी आना होगा दे आर मोस्ट वेलकम। आप देख लीजिए कि 10 तारीख तक क्या बनता है। होपफुली नंबर्स बन जाएंगे तो वी विल मेक द काउंसिल।